नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूँ आशीष अवस्थी और आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज जो विवाह होता है उसमें उसकी प्रस्तावना देखेंगे और कुछ परिभाषा बेली और हदाय के अनुसार देखेंगे। मुस्लिम विधि की प्रकृति देखेंगे, प्रकृति के बाद में उसके आवश्यक तत्व देखेंगे। मुस्लिम विवाह के संबंध में जो असमर्थता होती है उसको देखेंगे और निकाह के वैध शर्तें और अवैध शर्तें देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण मामले बाद उसका निष्कर्ष देखेंगे। जैसा कि अगर हम निकाह की बात करें, जो उनका जो वर्ड होता है निकाह, निकाह का जो शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रियों का संयोग या संभोग, एवं कानून में इसका अर्थ है विवाह। निकाह निम्नलिखित कुछ परिभाषा दी हुई हैं, जिसमें सर रोलैंड विल्सन ने बताया है कि निकाह यौन संबंध को वैध करने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित संविधा है। बेली के अनुसार यह एक निकाह की एक संविधा है जिसका उद्देश्य जो होता है संभोग और संतान उत्पत्ति करने का अधिकार प्राप्त करना है। हिदायत के अनुसार, मुस्लिम विधियों के अनुसार निकाह स्त्री और पुरुष के बीच ऐसी संविधा है जिसका उद्देश्य दोनों को समागम की वैधता प्रदान करना तथा संतान उत्पन्न करना। अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के मुकदमे में विवाह में परिभाषित करते हुए न्यायाधीश मोहम्मद ने कहा था कि मुस्लिम विवाह शुद्ध रूप से प्योरली सिविल संविधा है और यह कोई संस्कार नहीं है, लेकिन इनके जो मामले हैं वो सभी में विवादात्मक रहे, जिसमें उसकी विवाह की जो प्रकृति होती है, मुस्लिम विवाह में जो प्रकृति होती है, मुस्लिम विवाह की जो प्रकृति के विषय में विभिन्न विचार आए, जिसमें विधि शास्त्रियों के अनुसार मुस्लिम विवाह एक सिविल संविधा है, कुछ ने बोला, जबकि अन्य विधि शास्त्रियों ने ऐसे धार्मिक प्रकृति का माना। यह विचार तथ्य आधारित है और इस तरह की संविधा में सभी आवश्यक तत्व लक्षण और मुस्लिम विवाह में मिलते हैं। जो अगर एक केस लॉ के अनुसार अब्दुल कादिर का जो बहुत फेमस केस है अब्दुल कादिर बनाम सलीमा, इस वाद में न्यायाधीश मोहम्मद और न्यायाधीश मित्तर ने मुस्लिम विवाह को संविधात्मक दायित्व के रूप में अभिनिर्धारित किया और मुस्लिम संविधा को विक्रय की संविधा के समान बताया। अब विवाह के जो आवश्यक तत्व होते हैं वो होते हैं प्रस्ताव एवं स्वीकृति, जिसको बोलते हैं इजब और काबुल। इजब और कबूल, कबूल बोलते हैं, जो कबूल कबूल बोलते हैं। दो पक्षकार होते हैं, स्वतंत्र सहमति होती है, प्रतिफल होता है, विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए और बातिल होना चाहिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले आवश्यक तत्व की, तो जो पहला होता है इजब ओ कबूल। इजब ओ कबूल मतलब प्रस्ताव की स्वीकृति। अन्य संविधाओं के समान विवाह के प्रस्ताव या स्वीकृति से पूर्ण होती है। अगर संविदा कर रहे हैं तो इसमें स्वीकृति और प्रस्ताव तो होना जरूरी है। इसमें प्रस्ताव पहले दिया जाता है। यह आवश्यक है कि विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से विवाह करने का प्रस्ताव करे। जब दूसरा पक्षकार प्रस्ताव की स्वीकृति दे देता है तभी विवाह पूर्ण हो जाता है। प्रस्ताव की स्वीकृति मतलब एक तरफ से प्रस्ताव दिया जाता है और दूसरे तरफ से अगर स्वीकृति हो जाती है तो प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई है तो विवाह पूर्ण हो जाता है। दो पक्षकार होना जरूरी है। मुस्लिम विधि में भी विवाह में संविदा जो की तरह दो पक्षकार ही होना जरूरी है। जैसे इसके अलावा दो साक्षी होना जरूरी है। सुन्नी विधि के अंतर्गत प्रस्ताव और स्वीकृति दो ऐसे पुरुष या एक पुरुष और दो स्त्रियों के साक्षी उपस्थिति में होती है, होना जरूरी है। सिया में विधि के अंतर्गत जब तलाक होता है तब ऐसे साक्षी होना की आवश्यकता होती है। अर्थात इसमें दो दो जो पक्षकार होना है विवाह के लिए, दो पक्षकार होना जरूरी है। और जब विवाह संपन्न होता है सुन्नी विधि के अंतर्गत तो कम से कम दो साक्षी होना जरूरी है। और सिया विधि में जब तलाक होता है, तब विवाह विच्छेद होता है, तब आपको साक्षी की जरूरत होती है। अब तीसरा पॉइंट उसकी आवश्यकता तो स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति संविदा की तरह विवाह के पक्षकारों में अपनी स्वतंत्र सहमति विवाह करना जरूरी है और उनकी सहमति भरा अनुचित दबाव कपट से मुक्त हो जाना चाहिए। मतलब इसमें जो स्वतंत्र सहमति है उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति भय ना डाले, किसी प्रकार का दबाव ना डाले और ना किसी प्रकार से अनुचित रूप से विवाह करें, ठीक है। इसमें अब्दुल लतीफ बनाम नियाज अहमद का केस है। इस मामले में यह कहा गया था कि विवाह के लिए सहमति ना प्राप्त की गई हो, स्त्री की इच्छा के विरुद्ध विवाह की पूर्ण अवस्था विवाह मान्य नहीं माना जाएगा। अगर मतलब कोई भी प्रकार से अगर इच्छा आपने उसकी स्वतंत्र सहमति जो है वो दबाव पूर्वक ले ली हो तो ऐसा तरह का कोई विवाह वैध नहीं माना जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रतिफल। संविदा की तरह विवाह में दोनों पक्षकारों का कुछ ना कुछ प्रतिफल होता है। यहाँ पुरुष को प्रतिफल के स्वरूप महिला प्राप्त होती है और तथा स्त्री को उसके बदले मेहर की राशि प्राप्त होती है। इसके बाद बात करते हैं पांचवा उसका आवश्यकता विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। विधिपूर्ण उद्देश्य मतलब संविदा की तरह निकाह भी वैध उद्देश्यों के साथ होना चाहिए। अवैध उद्देश्यों के लिए निकाह नहीं शून्य होगा। अगर अवैध उद्देश्य है तो निकाह शून्य होगा। शून्य विवाह जो होता है जिसको बोलते हैं हम बातिल विवाह, निरपेक्ष असमर्थ वाले पक्षकार। जैसे कोई अगर निरपेक्ष या असमर्थ वाला पक्षकार है द्वारा किए गए विवाह, अर्थात रक्त वैवाहिक अथवा धात्र संबंधी के कारण निषिद्ध विवाह शून्य होते हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं। रक्त संबंध के कारण, वैवाहिक संबंध के कारण, मतलब अगर पहले से कोई विवाह कर रखा और वापस उसको तोड़े बिना विवाह विच्छेद करे शादी कर लेता है तो ऐसे विवाह अवैध कहलाएंगे। और रक्त संबंध में किया गया हो या दूसरे की पत्नी से विवाह कर लिया हो। सातवां पॉइंट है अनियमित और अमान्य फासिद विवाह बोलते हैं, जिसको शून्यकरणीय विवाह बोलते हैं। शून्यकरणीय मतलब विवाह होने के बाद में जो विवाह वो शून्यकरणीय होता है, उसमें बिना बिना साक्षियों के किया गया विवाह शून्यकरणीय विवाह होता है। चार पत्नियों के वहित व्यक्ति द्वारा पांचवी पत्नी से विवाह कर लेना, इसमें मतलब चार पत्नी से स्वीकृति होती है, पांचवी से नहीं। तलाकशुदा विधवा स्त्री इद्दत की अवधि पूरी, इद्दत की अवधि जो होती है वो पूरी नहीं हुई हो और उससे पहले विवाह कर लिया हो, या अनधिकृत व्यक्ति द्वारा विवाह किया गया हो, या अचिकृत विकृत व्यक्ति हो, या अवैध संयोग के कारण निषिद्ध विवाह कर लिया गया हो। अवैध जो संयोग संबंध होते हैं या संयोग होते हैं उसके होने के कारण निषिद्ध विवाह करा हो,
फिर उसके बाद हम देखते हैं मुस्लिम विवाह के संबंध को पूर्ण असमर्थता, असमर्थता जो वर्ड है उसको अपेक्षित अथवा सापेक्ष। विधिक अनर्हता से तात्पर्य यह है कि पक्षकार निषिद्ध संपत्तियों के भीतर या परस्पर इस प्रकार संबंधित ना हो जो विवाह जो अवैध बना दें। पूर्ण असमर्थता क्या होती है? पूर्ण असमर्थता होती है जिसमें रक्त संबंध में किया जाता है, निकट संबंध में किया जाता है, या माता के दूध पान वाले संबंध में किया जाता है, बहुपतित्व के संबंध में किया जाता है, अपेक्षाकृत असमर्थता के संबंध में किया जाता है, उसको बोलते हैं पूर्ण असमर्थता। इसके बाद बात करते हैं हम वेद निकाह की जो शर्तें होती हैं। पत्नी की अनुमति के बिना पति उसे दाम्पत्य अधिवास से दूर नहीं करेगा, जो दाम्पत्य अधिकार होते हैं उनसे दूर नहीं करेगा। पक्षकार एक विशेष स्थान पर निवास रखेगा, निर्वावत्ती के रूप में कोई धनराशि नियत कर दी जाएगी। दूसरा, पति पत्नी के पूर्व पति से उत्पन्न बच्चों को भरण पोषण करेगा। कुछ नियत समय तक विवाह को समागम नहीं होगा, पति दूसरे पत्नी से विवाह नहीं करेगा। अर्थात मतलब वेद निकाह की जो शर्तें होती है, पहला तो है पत्नी की अनुमति के बिना पति उसे दाम्पत्य अधिकार या अधिवास से दूर नहीं रखेगा, ठीक है ना, उसके जो अधिकार होते हैं उससे दूर नहीं रखेगा। दूसरा, पक्षकार एक विशेष स्थान पर निवास रखेगा, जो विशेष स्थान है वहाँ पर उसे रखेगा, निर्वावत्ती के रूप में धनराशि देगा, ठीक है, और फिर जो उसके जो बच्चे हैं उनको भरण पोषण देगा। कुछ नियत समय में विवाह के समागम नहीं होगा, पति दूसरी पत्नी से विवाह नहीं करेगा। निकाह की अवैध शर्तें, निकाह की अवैध शर्तें जो होती है, पति पत्नी उसके संबंधित संबंधियों के यहाँ जाने से रोक सकेगा, पति पत्नी को उसके संबंधियों के यहाँ जाने से रोक सकेगा। पति पर बंधनकारी अनुबंध की वह पत्नी मकान में रहेगा। बिना किसी कारण के भविष्य में पक्षकारों के अलग हो जाने का करार। तलाक देने की पति की स्वतंत्रता को रद्द करने वाला अनुबंध। यह शर्त है कि अनैतिक स्थानों पर जाने से पति पत्नी को नहीं रोक सकता। जो अवैध शर्तें होती है उसमें यही बताया गया है कि पति पत्नी के संबंधियों से यहाँ जाने से रोकता है तो वो अवैध शर्त कहलाएगी। पति पर बंधनकारी अनुबंध, वो पत्नी के मकान में रहेगा, वो भी अवैध शर्त है। बिना किसी कारण से भविष्य में पक्षकारों को अलग हो जाने के लिए करार करें, वो अवैध है। तलाक देने की पति की स्वतंत्रता रद्द करने वाला अनुबंध अवैध है। शर्त अनैतिक स्थानों पर जाने से पति पत्नी को नहीं रोकेगा, ये अवैध है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण मामले, जैसे अब्दुल अहमद बनाम शाह बेगम का केस था। अब्दुल अहमद बनाम शाह बेगम में इस बात में यह प्रतिपादित किया गया था कि अवयस्क लड़की का विवाह यद्यपि वली द्वारा किया गया है, वालिद बोलते हैं उसको, वालिद द्वारा किया गया तो प्रारंभ से ही शून्य होगा। फिर उसके बाद शेख अब्दुल्ला डॉक्टर हसन आरा परवीन का केस है। इस बात में मुंबई की नागपुर पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि भारत में मुस्लिम अपनी व्यक्तित्व विधि में शासित होते हैं, जिसके अंतर्गत विवाह एक सिविल संविधा है। फिर उसके बाद निष्कर्ष में देखें तो अतः ये कह सकते हैं कि विवाह निकाह मुस्लिम विधि में एक सिविल संविधा होती है, ना कि संस्कार।